तो ये आ गया टाइम पुलकित भाई को बाय बाय और नील भाई को बाय बाय कहने का। ये आ गया हमारा मेट्रो, यहाँ से हम जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं? टर्मिनी। अब वेनिस। ओह वेनिस जाना, अभी टर्मिनी जाना। टर्मिनी डजंट साउंड कूल। ओह वेनिस। यस। मेट्रो में टैप करना होता है कोई भी कॉन्टेक्टलेस कार्ड, तो इसने टैप किया पीछे, मतलब चार थे मशीन जाने के लिए टैप करने के लिए, जैसे दिल्ली मेट्रो में होती हैं बहुत सारी। तो एक ब्लैक आदमी इसके पीछे खड़ा था, तो मैं कह रहा है यार दूसरे में से क्यों नहीं जा रहा है, मैं आगे निकल चुका था कार्ड टैप कर रहा था। तो जैसे इसने करा उसके इसके पीछे पीछे निकल गया वो बंदा। नहीं, मैंने कार्ड पहले कुछ लगा चला नहीं, फिर मैं दूसरे पे गया, मेरे पीछे पीछे दूसरे पे आ गया, फिर वो इसके पीछे पीछे निकल गया। मतलब यहाँ पे भी लोग करते हैं ऐसा। तो अब मतलब पुलिस पकड़ ले तो कहते हैं ट्रांजेक्शन दिखानी पड़ती है, पर ये कुछ ना कुछ बहाना तो मार ही देंगे। हम तो हमारी ट्रांजेक्शन में तो कल आती है ना, कार्ड में एक दिन बाद में आती है। नहीं, हम तो जैसे टूरिस्ट कह, मतलब ऐसे बिल्कुल ना के बराबर चेकिंग होती है, पर 1.5 यूरो के ऊपर क्या ये फालतू फंड करना। चलो आ जाओ टर्मिनी पे चलते हैं, और आज फिर से हमको लेनी है बुलेट ट्रेन वेनिस की। तो ये हम पहुँच गए रोम के स्टेशन पे, सेम जैसे हम मिलान के स्टेशन में हमने ट्रेन रिजर्व करी थी। 10 यूरो में बुलेट ट्रेन रिजर्व होती है यहाँ पे, फर्स्ट क्लास करा लो चाहे सेकंड क्लास, और देशों में अलग है, महंगा है। इटली फिर भी 10 यूरो में कर रहा है रिजर्व। तो अब हम खड़े हैं टोकन लेके, अपना नंबर आएगा तो रिजर्व करेंगे। अराउंड कितने घंटे बाद ट्रेन है? अराउंड 50 मिनट बाद हमारी ट्रेन है, और हम 4 घंटे में पहुंच जाएंगे वेनिस। इन कंट्रीज़ का एक सिस्टम मेरे को बहुत अच्छा क्या लगता है, इस मशीन में से पर्ची लो, जो तुम्हारा नंबर आएगा भाई उस हिसाब से है। कोई लाइन तोड़ के आगे नहीं जा सकता, कोई मतलब अपने चांस के बिना नहीं जा सकता। तो ये बड़ा सही है, जो पहले आएगा उसको पहले सर्विस मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन तो हमने मैंने बता देना वीडियो में, अब सबको पता है। तो ये रही अपनी बुलेट ट्रेन 9426 वेनिजिया सेंटा लूसिया शायद है, 15:35 टाइम, अभी प्लेटफॉर्म नहीं लगा है। तेरी भाई अपनी टिकट फर्स्ट बिजनेस क्लास फेरेरो रोशो, यहाँ की बुलेट ट्रेन सरकारी बुलेट ट्रेन। क्या बोला तुमने फेरेरो रोशो? तो अभी अंदर आ रहे थे तो एक और क्या चीज़ तो होगी कि ये वाला मास्क नहीं चला था, ये वाला पहन क्या हो। मैंने कहा भाई ये क्या पहनना है, हम दूसरे गेट से आ गए, हम क्या पैसे खर्च कराओगे। अरे यार पता क्या, वैसे भी ट्रेन में पिछली बार जब आ रहे थे ट्रेन में तो टीटी तो हमने देखे देखे चली गई थी, ये वाला ये मास्क दे दिया था, इसलिए घुमा दिया इसलिए मास्क वाला दोबारा देखिए। हम बिजनेस क्लास के पैसेंजर्स हैं भाई। ये खड़ी हैं ट्रेन्स पर, अभी हमारे प्लेटफॉर्म नहीं लगा है। ये ट्रेन जो आप देख रहे हो इसका नाम है इटालो, ये मतलब प्राइवेट कंपनी है यहाँ पे, ये पास में इंक्लूडेड नहीं है। तो मतलब अगर आपके पास नहीं है तो आपके सारे ऑप्शन है, आप इटालो लेना चाहो या फिर ये फेरेरो रोशो जिसमें हम जा रहे हैं, या फिर एक और भी है। तो हमारे पास तो पास है, तो ये थोड़ी तेज़ चलती है, हमारे फ्रेंड ने बताया ये कुछ 30-40 किलोमीटर की स्पीड से तेज़ चलती है इन वालियों से। उसका थोड़ा मुंह भी देखो लंबा सा है, मतलब थोड़ा स्लांटिंग है इनका, थोड़ा खड़ा सा है। वहाँ पे एक और लगी हुई है बुलेट ट्रेन, बहुत सारी सारी मिलान जा रही है, देखो मिलान सेंट्रल मिलान सेंट्रल, ये वाली भी मिलान सेंट्रल। हमने टिकट लिया बिजनेस क्लास की, बिजनेस एरी, फिर इससे पहले आती प्रीमियम, फिर आती स्टैंडर्ड, और इससे भी ऊपर आती है एग्जीक्यूटिव। सिर्फ एक डिब्बा होता है सबसे आगे ट्रेन में एग्जीक्यूटिव का। तो भाई हम पहुंच गए वेनिस, और आते ही हमने देखा भाई यहाँ पे धुंध है, देखो। तो पहुंच गए वेनिस, सब एक बार मैं आपको थोड़ा निकल के बाहर बताता हूँ। तो भाई वेनिस एक ऐसा शहर है जहाँ पे रोड्स नहीं है, मतलब गाड़ियाँ नहीं है इस शहर में, क्योंकि जो रोड्स हैं वो पानी है। तो अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको लेनी पड़ेगी बोट, वाटर टैक्सी जिसको कहते हैं यहाँ पे, और थोड़ा महंगा इसकी वजह से शहर, क्योंकि बोट थोड़ी ऑपरेट करनी महंगी होती है बसेस वगैरह से। मतलब ऐसे चलने के रास्ते हैं शहर में, पर जो शहर है ना वो आप यार देखोगे वीडियो में तभी समझ में आ पाएगा आपको। चलो अभी निकलते हैं बाहर, और वेनिस में भी दो स्टेशन हैं, वेनिजिया सेंटा लूसिया पे आना आप, वो पहले दूसरे वाले स्टेशन की टिकट मत लेना। तो उस वाले में आओगे आप तो मतलब बिल्कुल एकदम से शहर के बिल्कुल पास पहुंच जाओगे। अब बस हमको एक बोट लेनी है और हम पहुंच जाएंगे अपने हॉस्टल। दिखाता हूँ यहाँ पे आपको कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा होता है। स्टेशन के बाहर आए हैं और यहाँ पे बोट्स ही बोट्स, पानी वो देखो पानी है वहाँ पे, मतलब यहाँ पे बस अड्डा नहीं है, यहाँ बोट अड्डे हैं।
तो ये वेनिस थोड़ा महंगा है भाई, यहाँ पे लिखा भी है पता नहीं सब कुछ, पर टिकट प्लस वन आइटम 7.5 यूरो 75 मिनट के लिए वैलिड है बस वो। ठीक है बाय, और टिकट करते हैं हम। वाटर सर्विसेज लेनी है हमको, 1 डे टूरिस्ट टिकट क्वांटिटी 2, 40 यूरो हो गए भाई। पाजी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे क्या स्विट्जरलैंड लग रहा है, स्विट्जरलैंड वापस आ गए। डाल लो जी 50 यूरो का नोट, कॉइंस एंड बैंक्स नोट एक्सेप्टेड, यहाँ डालना है। नहीं, वो ले गया 5000 रुपए ले गया कट के। 10.5 का नोट उल्टा दो, मशीन रिटर्निंग ऑफ चेंज इन प्रोग्रेस, 10.5 का नोट उल्टा दो, उल्टा नहीं वापस दो भाई साहब, 10 का ही आया, काश 20 का आ जाता। क्यों आ जाता? टिकटें निकालो, ले ये है वेनिजिया यूनिका, पता नहीं क्या लिखा। एक और, अबे वो है ये रही। कब तक वैलिड है ये? 30/12/1951 पे लिए हमने, तो कल इतने बजे तक वैलिड है। ठीक है, हमको इतना ही चाहिए। आज 29 है, आज 29 है ना, मेरे ख्याल से 30 नहीं है आज, 30 है, आज 30 है, तो कल तक वैलिड है, इसने इनिशियल डेट लिखा होगा। ठीक है चलो आ जाओ। अरे बंदा पूछ रहा था कि टैक्सी लेनी है, हम कह रहे टैक्सी कहाँ खड़ी है, कार से चलते हैं, पर ये देखो ये लिखा है इस बोर्ड पे टैक्सी, तो ये यहाँ की टैक्सीज हैं। धुंध कैसे हो रही है यार यहाँ पे, या तो समुंदर के पास, समुंदर में ही है वैसे तो, ये समुंदर के पास नहीं है, समुंदर में ही है भाई। आज थोड़ी वो है धुंध, उसकी वजह से हमारा जो रूट है वो कैंसिल्ड है, तो पहले तो हमको बोट ही नहीं मिल रही भाई, कौन सी जाएगी। फिर एक बंदे ने बताया कि 2 नंबर, मतलब टिकट काउंटर वाले की 2 नंबर में बैठ जाओ, हम बैठ गए, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं, कहीं तो पहुँचेंगे। यूरोप की मेरे को ये बात मतलब बहुत ही बेकार लगती है, हर चीज़ को इन्होंने धंधा बना रखा है। लॉक लेना है 5 यूरो, टावल लेना है 5 यूरो, ट्रैवल अडेप्टर लेना है 6 यूरो, इंटरनेशनल अडेप्टर लेना 11 यूरो, चार्जिंग केबल 7 यूरो, मतलब एक ग्रोसरी स्टोर टाइप बना दिया इन्होंने। सारे हॉस्टल्स में यही सिस्टम था भाई, लॉकर्स को भी यहीं से होएगा, लॉकर्स को भी इन्होंने देखो धंधा बना रखा है भाई। 6 घंटे के हैं बस ये, तो वो जो स्मॉल लॉकर का 3 है, लार्ज का 4 है, और वो भी सिर्फ 6 घंटे के, मतलब 4 बजे आके वापस निकालना पड़ेगा हमको सामान, कहाँ छोड़ेंगे फिर हम। 6 हो गया, ये क्या यार, क्या धंधा है। तो भाई 2 लॉकर रेंट पे ले लिए हमने, खर्चा आया 11 यूरो 24 घंटे के ले लिए, क्योंकि 6 के बाद सिर्फ ऑप्शन ही होता, चलो छोड़ो धंधा है मतलब एक तरह से। और पूरे यूरोप में हमको ये मिला है कि चेकआउट टाइम है इन कंट्रीज़ में तो खासकर सुबह के 10 बजे, और मतलब अगर आपको 1 बजे तक सोना है तो आपको 3 यूरो और देने पड़ेंगे, तो हर चीज़ का मतलब धंधा बना रखा है। चेक इन टाइम कई हॉस्टल का मैंने देखा 4 बजे भी है। ये है भाई वेनिस का शहर। अब आप देख रहे हो जैसे ये बीच में रोड्स नहीं है, ब्लू कलर के क्योंकि पानी है। तो पहले हम जाएंगे, ये इनका है मेन स्क्वायर, फिर है एक फेमस ब्रिज, कल हमको सब बताया था उसने, अब ये रहा वो 30 नंबर फेमस ब्रिज है इनका। फिर यहाँ पे भी एक चीज़ है, और मतलब जो मेन हाईलाइट्स हैं वहाँ वहाँ जाएंगे। तो ये बोट के नंबर लिखे हैं जो मैं कल बता रहा था, 4.1 4.2 वगैरह, और यहाँ पे बोट कहाँ कहाँ जाती है वो सारा लिख रखा है। चलें पंजाबी, रेडी टू एक्सप्लोर वेनिस। सुबह सुबह 10 यूरो फालतू के लिए, 11। ये है भाई बोट टर्मिनल, मतलब लेफ्ट साइड वाली इस तरफ जाती है, राइट साइड वाली उस तरफ जाती है, जैसे अपने सड़कों पे होता है। थी अपने 20 यूरो की इन्वेस्टमेंट। यहाँ टैप करना है, जैसे ये टैप कर दिया बस ये कह देगा ठीक है, करते रहो टैप बार बार, मजे लेते रहो इसके। दिन का अब भाई एक लेके हम 2 घुस जाते हैं, पर वो मतलब चेक करने वाला तो। ये जैसे बसेस के रूट होते हैं वैसे यहाँ पे इनके रूट हैं बोट्स के, हमको जाना 2 या फिर इस पे भी जा सकते हैं 4.1 या फिर एन पे भी जा सकते हैं। ये
हम पहुंच गए भाई मेन स्टेशन पे, मतलब मेन जो इनकी जगह है। और यहाँ पे आके मतलब ये क्या है, दुकानें लगी हैं यहाँ पे नकली कपड़ों की। अब दिखाता हूँ आपको, चलो पहले थोड़ा मैं खुद समझ लूँ क्या है। पहले हम खाने का ढूंढेंगे भाई, क्योंकि हमारे हॉस्टल में था 5 यूरो का ब्रेकफास्ट, उसमें क्या है बस एक ग्लास जूस देंगे। उसने स्पेशल बोला एक ही ग्लास देंगे, ये अनलिमिटेड कॉफी। हाँ क्रोसॉन, जो भाई मतलब जो वेस्टेज ऑफ मनी है। तो इससे अच्छा हम खाएंगे कहीं पे पिज्जा या फिर पास्ता या फिर लज़ानिया। क्यों ये आ गया इनका मेन स्क्वायर, और इस तरफ से दिखाया था, इस तरफ एक टावर भी है बहुत बड़ी। और धूप अब निकल रही है तो धीरे धीरे फॉग भी छट रही है अभी। तो भाई मेरे को भूख ज़्यादा लगी यार, इसलिए मतलब एनर्जी सी भी नहीं आ रही है, कुछ खा के ही होएगा कुछ ना कुछ। फाइनली मेरे को दूर से खुशबू आ गई थी इस जगह की, ये पिज़्ज़ा बेचते हैं। देखते हैं बंद क्यों करके चला गए ये, कि कितने का है यहाँ पे। तो अभी भाई बिल्कुल लो एनर्जी के साथ घूम रहा था मैं, क्योंकि कल भी हम जब पहुंचे यहाँ पे 9 बजे तो हम पिज़्ज़ा की दुकान पे गए थे, तो 4 ही स्लाइसेस बची थी, उसमें पेट भरा नहीं इतना। तो अभी हम आ गए एक दुकान पे जहाँ पे मिल रहा है मार्गरीटा 7.5 यूरो का। मैंने बाहर ही मेन्यू लगा हुआ था, मतलब देखने में अच्छा रेस्टोरेंट लग रहा है बहुत। तो हमको लगा भाई हो सकता है पिज़्ज़ा छोटा हो। हाँ हमको लगा कि भाई ये तो मतलब बिल्कुल लूट लेंगे हमको, पर बाहर ही मेन्यू लगा था तो हमने वहीं से पढ़ लिया 7.5 का था। और मतलब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मतलब कम से कम इतना करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को कि कोविशील्ड के साथ साथ एस्ट्राजेनेका का भी लिख दो, क्योंकि कोविशील्ड को कोई नहीं जानता है, सब जानते हैं एस्ट्राजेनेका को। तो वो नहीं है, कभी स्कैन नहीं होता। कम से कम ऐसा तो करो कि इसको अपना QR कोड स्कैन करे तो एकदम से हमारी वेबसाइट तो खुलनी चाहिए कम से कम, या फिर उसी वेबसाइट पर जाकर स्कैन करने का तो कोई सेंस नहीं बनता, सबको थोड़ी पता है वो वेबसाइट। चलो जो भी अब चल रहा है काम जैसे चला रहे हैं, तो यहाँ पे खा के फिर फुल एनर्जी के साथ निकलते हैं। भाई इतना छोटा सा पिज्जा आ गया तो फिर कैसे रिएक्शन होगा तेरा? रिएक्शन क्या होगा, खाना तो पड़ेगा ही। तो वही हुआ, कल हमने खाया था 3 यूरो का स्लाइस था, तो स्लाइस काफी सही था, यहाँ तो ये छोटू सा दिया है। पर चलो इन दोनों का इसको मला के मांग सकते। हाँ जी, तो अब हमने खा लिया पिज्जा तो थोड़ी सी अब एनर्जी आ गई है, सुबह से तो कुछ खाया नहीं था। तो ये जो शहर है इधर चलेंगे इस गली में चलो। तो ये जो शहर है ये थोड़ा सा फ्लड प्रोन शहर है, 2019 में भी यहाँ पे फ्लड आ गया था, तो 80% जो है ये पूरा शहर पानी में डूब गया था। तो भाई ये फ्लड प्रोन शहर है तो यहाँ पे लोग बसे क्यों पहली बात आके? तो सबसे पहले जो लोग यहाँ पे आए थे वो बचते बचाते रेफ्यूजीज थे, सॉर्ट ऑफ वो कोई ना कोई अटैक कर रहा था उन पर इधर उधर से, तो बचते बचाते लोग कुछ यहाँ पे आके बस गए। तो तब शुरू में ये जो वेनिस था ये मतलब इंडिपेंडेंट था, इनका खुद का एक खुद का कंट्री था। फिर इसको इटली ने जीत लिया, फिर इटली ने ऑस्ट्रिया को फिर इटली ने दे दिया ऑस्ट्रिया को, फिर ऑस्ट्रिया से वापस ले लिया, फिर कुछ टाइम के लिए इनका खुद का फिर से गवर्नमेंट आ गई, लेकिन इवेंचुअली अब ये इटली में ही है। तो और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, बातें करेंगे, थोड़ा सा घूमते हैं। तो भाई अपने नोएडा या गाज़ियाबाद में भी एक मॉल है जिसका नाम है वेनिस मॉल, तो वहाँ पे भी ऐसे गोंडोला चलते हैं, तो यहीं से इंस्पिरेशन ली गई है उस मॉल के लिए भी। देखो जैसे ये गोंडोला भी दिखाए थे ना मैंने आपको, वो जा रहे हैं। तो इस गोंडोला की राइड बहुत महंगी है भाई, 30 मिनट की 80 यूरो। मतलब बार्गेन तो कर ही सकते हो ऑब्वियसली बात है, पर फिर भी कितना बार्गेन कर लो, 30 मिनट के 50 यूरो भी बहुत ज़्यादा है। तो हम तो नहीं ले रहे हैं भाई, हम अभी मतलब मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है। ये कि जब भी इसकी शादी होगी तो अपनी बीवी को लेके आएगा ये यहाँ पे गोंडोला राइड में। अपने प्लान मेरी वीडियो में ना बताएं, अपने प्लान अपनी वीडियोस में बताएं। ये गली जाती है आगे, पता नहीं आगे खुली है कि बंद है, देखते हो अंकल मुड़ते हैं। अरे अंकल मुड़ गए, मतलब खुली है।
बाकी यार ये पानी काफ़ी गंदा लग रहा है मेरे को यहाँ, तो बदबू सी भी आ रही है। तो लोगों की अपनी अपनी, जैसे ये बोट है, ये घर है तो वहीं बोट है, बोट में ही आगे जाएंगे जहाँ भी जाएंगे, वो सबकी अपनी अपनी बोट होती है। थोड़ा पुराना लग रहा है ये घर, पुराना इलाका। और ये देखिए कपड़े डाले हैं सूखने, ये देखिए टावल डाला हुआ है सूखने, तो ये कपड़े पता नहीं कैसे, जो भी होता होगा रस्सी वस्सी खींच लेते होंगे। तो यहाँ से पुली डाल के ये डाली है और फिर उधर है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे लोग नहीं जा रहे हैं जिन रास्तों में, उन रास्तों में जाने की। अब वो सामने लिखा तो हुआ है कि, मतलब वो गेट पे लिखा है शायद कि नहीं एंटर, इधर को रास्ता मुड़ जाता है शायद। हाँ है रास्ता, इधर भी है, इधर भी है। तो भाई पंजाबी का मतलब वो नहीं था, मतलब सहमति नहीं थी कि हम वेनिस घूमने चलते हैं, पर मैंने कहा यार अब कहाँ ही जाएंगे, वेनिस ही चलते हैं। तो फिर मतलब कैसा लगा तेरे को घूम के? अलग तो है शहर, नो डाउट है ना, अलग है। मतलब जैसे एम्स्टर्डम में भी कैनाल्स हैं, बट वहाँ पे सड़कें भी हैं, साइकिल चलती हैं, बाइक चलती हैं। तो ये कह रहा है एम्स्टर्डम जैसा है। पागल थोड़ी है लोग जो वेनिस ऑफ ईस्ट करते रहते हैं चीज़ों को। वेनिस में कुछ तो खास बात हो गई ना, तुमने खास मेरा खराब कर दिया। न्यू ईयर तुमने कोई पार्टी कुछ नहीं है यहाँ पे, तो कहाँ मिलती? नीस में नहीं, वहाँ भी नहीं मिलती। तो ये जो आप ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स, ये सारे शहर की जो बेसमेंट है वो इन पर ही बनी हुई है। ये लकड़ी कोई ऐसे लाइक कोई स्पेशल लकड़ी है जिसको, जो पानी में ख़राब नहीं होती, तो इधर भी यही सब यूज़ होता है। ब्राज़ील में मैं जब रियो में रुका था तो रोज मतलब अलग तरह की चॉकलेट ट्राई करता था, तो 70% तक तो मैंने खा रखी थी। पहले हमने देखी 99%, फिर साइड में रखी 100%। तो चलो आज 78 ही खा लेते हैं, ज़्यादा नहीं करते। तो अबे देख, ये देख कितनी वैरायटी है, देख 99, 100, 90, 85, 78, 70, ये कितने हैं, छः तो कोई और है। तो ये वाली 55 है, तो हम 78 वाली खाएंगे आज। ये देखिए यहाँ पे ऐसी भी है जैसे गली है, लेकिन ये दरवाजा लग गया और ये ऊपर घर है, फिर पूरा गली बंद। इधर ये गली चल रही है। अरे हाँ मास्क, ये देखा था हमने एक वीडियो में, सिटी ऑफ मास्क बोलते हैं इसको, बिकॉज यहाँ पे कुछ मतलब फंक्शन वो होते हैं, कार्निवल वार्निवल होते होंगे, उसमें मास्क पहनते होंगे बहुत सारे लोग। ये यहाँ पे सबसे ज्यादा आइकॉनिक ब्रिज, इसका आपने भी शॉट देखा था, इसी के ऊपर चढ़ के हम पार कर रहे हैं, और काफ़ी चौड़ा ब्रिज है ये। तो वहाँ भी था ब्रिज, एक इधर भी है। अजीब सा ही, अजीब सी जगह है ये थोड़ी। ऐसी हैं पतली पतली गलियाँ यहाँ पे, ओहो डरावनी, जेरूसलम जैसी। हम तो रास्ता ढूंढ रहे हैं, कई गलियाँ बंद हो जाती हैं, कई जगह पानी आ जाता है, तो हम रास्ता ढूंढ रहे हैं। हमको एक बोट लेनी है दूसरे आइलैंड के लिए, उस बोट का हम रास्ता ढूंढ रहे हैं, मज़ा आ रहा है। तो हमारा हॉस्टल है कहाँ पे था, येरा जनरेटर हॉस्टल, ठीक है। यहाँ से हमने पहले तो बोट ली और हम आए यहाँ पे सैन एस मार्को, फिर ये पूरा घूमा, फिर ऐसे गए, ये पुल क्रॉस किया जो आपने देखा था, फिर या तो हम ऐसे जा सकते थे, हमको जाना है मुरानो बुरानो, तो ये पुल क्रॉस करके हम इस तरफ आ गए। अब इस तरफ से पूरा ऐसे घूम के जाना पड़ेगा, ये पुल क्रॉस करके फिर ऐसे आना पड़ेगा, और फिर हम यहाँ पहुँच जाएंगे। लगभग पूरा ही कवर कर लिया हमने, बस ये ब्लू वाला पार्ट रह गया हमारा, देखते हैं शाम को हो जाएगा। ये देखो भाई यहाँ पे वेनिस में कसिनो भी है, कसिनो म्युनिसिपल है।
म्यूनिसिपैलिटी वालों का कैसीनो। ये जा रही है यहाँ की एम्बुलेंस भाई। तो भाई हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने मुरानो के लिए बोट लेके। और हाँ हम पूरा वेनिस घूम के आए और जितने भी आपने शॉट्स देखे उसमें से काफी सारे दिवांग भाई ने डाले थे। ठीक है तो भाई सिनेमैटिक वर्क किसी को कराना हो तो कॉन्टेक्ट पंजाबी वॉन्डरर। तो चलते हैं यहाँ से मुरानो मतलब मुरानो यही पता नहीं किससे पूछ के आया, वो कह रहे अच्छी जगह है। तो हम जाएंगे कहाँ पे, यहाँ ना यहाँ जाना है, ये मुरानो है, मुरानो का है। तो हम पहुँच गए थे यहाँ पे मुरानो। दो आइलैंड है वेनिस के पास, मुरानो बुरानो दोनों वेनिस में ही आते हैं। और यहाँ पे मतलब ग्लास फैक्ट्री करके कोई जगह है, इसको दिवांग को किसी ने बताया था तो ये इंटरेस्टेड था जाने में। मतलब इतनी कुछ खास नहीं लगी, मतलब बीड्स वगैरह बेच रहे हैं यहाँ पे। तो मैं अंदर गया तो कहती N95 मास्क पहनना पड़ेगा मेरे पास। मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है, कहती फिर आप अंदर नहीं आ सकते। मैंने कहा कोई नहीं भाई, बाहर खड़ा हो जाऊँगा, मेरे को वैसे भी कोई इंटरेस्ट है नहीं। तो बोट का सफ़र बहुत सही रहता है, पर यार आज धुंध 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 ज़्यादा हो गई। बीच कभी छट जाते कभी आ जाते, कभी छट जाते कभी आ जाते। चलो वेनिस तो हमने बिना धुंध के घूम लिया, मुरानो के बाद शायद बुरानो चले जाएं और फिर वापस अपने हॉस्टल चले जाएं। और आज जो है न्यू ईयर्स ईव है, तो आज हॉस्टल हमारे वाला जो कल हमने 20 यूरो में बुक किया था वो 60 यूरो का है। तो हमने कहा छोड़ो, हमको नहीं करना, हमको नहीं रहना वेनिस के मेनलैंड इटली में चले जाएंगे, वहाँ पे हॉस्टल 15 यूरो का मिल जाएगा।